तो ये है राम और सीता विवाह मंडप, जहाँ पर राम और सीता के फेरे हुए थे। जय नबंधु बलि राजा दान बंद्रो महाबल चलो हनुमान के नया सर्वसहस्रतम जय किशोर जी। सब परिवार सुख शांति रहे, सब शांति रहे। तो दोस्तों आप ये देख रहे हो, ये है जनक राजा जनक का महल। तो भाई जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका एक और नई वीडियो के अंदर। तो हम पहुंच चुके हैं राजा जनक के महल, जो कि नेपाल के अंदर आपको पता ही है जनकपुर जिसका नाम ही राजा के नाम से पड़ा है, तो उसके महल पर पहुंच गए हैं। तो ये महल आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये है राजा जनक का महल जहाँ पर राम और सीता का विवाह हुआ था। और साथ में आपको एक बात और बता दूँ दोस्तों, जनकपुर के अंदर आज भी राम को गाड़ दे सकते हैं, ये गाड़ देने की मान्यता है। मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे की कारण है, जब राम ने सीता माता का त्याग किया था, तब जो राम यहाँ पर आए थे उनकी जो सीता माता की सहेली थी, उन्होंने राम को बोला था भाई, तो इस वजह से यहाँ पर जो लोग हैं आज भी बुरा नहीं मानते। तो दोस्तों आप ये देख सकते हो भाई, जनक राजा का महल जहाँ पर सीता माता का जन्म हुआ था, और सीता माता यहीं पर पल बढ़कर बड़ी हुई थी। तो आप देख सकते हो जहाँ पर सीता माता खेला करते थे, उन्होंने अपना सारा जीवन व्यतीत किया, और श्री राम जी ने उनका यहाँ पर उनके साथ विवाह किया। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, जब जो राजा जनक थे हल जोत रहे थे सीता माता की, उनको यहाँ पर उनको मिट्टी के अंदर सीता माता मिली थी। और यहाँ पर भी एक फोटो आप देख सकते हो, यहाँ पर जो राजा सिंहासन पर उनको बैठकर खिला रहे हैं, और यहाँ पर भी एक आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ ऐसे चित्र हैं, यहाँ पर सीता माता सो रही हैं और यहाँ पर ये खेल रहे हैं। यहाँ पर आप राम और सीता का विवाह देख सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों सांस्कृतिक संग्रहालय भी है, जहाँ पर आपको सीता माता के और राजा जनक के कुछ चित्र दिखाई देंगे। उसके लिए टिकट लगती है यहाँ पर, जो टिकट यहाँ पीछे से यहाँ से टिकट ले सकते हो, और टिकट मेरे को पड़ी है 15 रुपये में, नेपाली रुपये में। और चलते हैं इसके अंदर। इधर से तो यहाँ से पहाड़ी भी ऊपर जाने की। तो अभी मैं आ गया मैं ऊपर, और ऊपर से आपको राजा दशरथ याद आ रहे हैं, राजा जनक का महल दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पीछे कुछ इस प्रकार का महल है। और आपको बता दूं कि दोस्तों जो महल की चमक है, अब बीच के रंग रोगन पेंट है, वो बार बार किया जा रहा है। अब मैं जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा आपको, अब बीच की जो चमक है उसको मड़ा हवी फीका नहीं होने दिया जा रहा, इस पर लगातार काम चलता रहता है। अब उस साइड भी काम चला था, इस साइड भी काम चल रहा है, मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये देख सकते हो भाई, अब भी रंग रोगन पेंट है वो चला हुआ है, और यहाँ पर आप राजा जनक का महल देख सकते हो दोस्तों, कुछ इस प्रकार का, बहुत सुंदर है। ये वही स्थान है जहाँ पर सीता माता रहती थी, और उन्होंने अपना कुछ जीवन यहाँ पर व्यतीत किया, और
श्री राम के साथ विवाह करके अयोध्या की ओर चली गई। यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हो जानकी के द्वारा दर्शाया गया है कि जो राजा जनक थे उन्होंने सीता की जो सीता पुत्री की प्राप्ति हुई थी वो यहाँ से हुई थी, मिट्टी से हुई थी, खेत जोतते हुए। और यहाँ पर जो माता जी हैं राजा जनक की पत्नी हैं वो यहाँ पर सीता माता को खिला रही हैं। और यहाँ पर राजा दशरथ भी उनको अपनी गोद में ले हुए हैं और यहाँ पर ये सीता माता अपनी माता के साथ सो रही हैं। यहाँ पर दरबार में भी भाई दोस्तों दुकान लगी हुई है और यहाँ पर आप सीता विवाह की जो तस्वीर ले सकते हो, राजा जो जनक थे उनके महल की फोटो, बड़ी बड़ी फोटो यहाँ से ले सकते हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों भगवान श्री राम और सीता माता की शादी समारोह। यहाँ पर कुछ ऋषि मुनि खड़े हैं और यहाँ पर सीता माता और श्री राम जी फेरे ले रहे हैं। तो दोस्तों आप ये चित्र देख सकते हो मिथिला परिक्रमा डोला। जैसे ही हम नीचे महल में आए यहाँ पर आप उनके साथ ऋषि मुनियों की तस्वीर भी देख सकते हो और सीता माता के आभूषण भी देख सकते हो जो पुराने हैं और आप आज भी ऐसे कैसे रखे हुए हैं। यहाँ पर कुछ कपड़े दिखाई दे रहे होंगे आपको अलग अलग कलर के, यहाँ पर आज भी इनको ज्यों का त्यों बनाए रखा हुआ है। और इसी प्रकार दोस्तों मैं कुछ और आभूषण दिखाता हूँ आपको जो यहाँ पर आप नाम भी पढ़ सकते हो, श्री जानकी। यहाँ पर देखो श्री जानकी की चंद्रिकाएं दोस्तों, ये कुछ इस प्रकार की चंद्रिकाएं हैं। ये यहाँ श्री जानकी जी की चंद्रिकाएं हैं दोस्तों। तो आप मेरे पीछे पूरा देख सकते हो भाई सीता माता का घर और राजा जनक का महल कितना सुंदर दोस्तों चमक है। आज भी जो की त्यों है जिसकी चमक पर कोई वो नहीं है, लगातार इसमें काम चलता रहता है, अब भी काम चल रहा है, बहुत ही अच्छा लगा भैया देख कर। राजा जनक का महल कवर करने के बाद अब आ गए हैं राम सीता विवाह मंडप को देखने के लिए जिसकी टिकट है ₹7। इंडियन करेंसी की बात कर रहा हूँ दोस्तों, अगर आप इंडियन करेंसी देखो तो ₹7 टिकट है राम सीता का, सीता राम और राम सीता विवाह मंडप देखने के लिए। तो ये अंदर तो दोस्तों जाना अलाउड नहीं है। तो ये देख सकते हो ये है राम और सीता विवाह मंडप। यहाँ पर कुछ ऋषि मुनि बैठे हैं और राम सीता राम बैठे हैं, सीता और राम जी बैठे हुए हैं। तो ये देखो यहाँ पर भी ताला लगा हुआ है उस साइड से। तो आप यहाँ से देख सकते हो भाई आपको थोड़ा साफ दिखाई देगा, यहाँ पर खुल भी रहा है। तो ये है राम और सीता विवाह मंडप जहाँ पर राम और सीता के फेरे हुए थे। तो ये आपको अब इस तालाब के पीछे की हिस्ट्री बताते हैं भाई। इस तालाब का कहते हैं कि इस तालाब का पानी कभी नहीं सूखता। एक बार तो छः महीने लगातार पानी निकालने की कोशिश की थी लेकिन तब भी इसका पानी नहीं निकला, तब भी ये खाली नहीं हुआ था। और आप यहाँ पर
अंदर गए भाई।